नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हमारे सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव। आज हमने एक अजीब चीज़ देखी है कि खास तौर पे मुस्लिम के बीच में आपकी जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरीके से लोग मिलने के लिए तरस रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, क्या दिखा रहा है दिनेश जी? देखिए, हमने जो जिम्मेदारी ली है वो पूरे आजमगढ़ की जिम्मेदारी ली है और पूरे आजमगढ़ को सजाना और सबके लिए काम करना यही हमारा कर्तव्य है और उसको ही हम लोग निभा रहे हैं। और डेढ़ साल जो हम लोगों को मौका मिला था उसमें हमने पूरा ये प्रयत्न किया कि आजमगढ़ के चप्पे चप्पे पे हम जितना काम ला सकते हैं हम ला करके और यहाँ काम कराए हैं। और अब दोबारा जब मौका मिला है, फिर से यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, तो हम फिर से अपने भाइयों के बीच में हैं और सब लोग साथ मिल करके और यही प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ी जीत हासिल करें यहाँ पे आजमगढ़ में और एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री जी तक जाए कि प्रधानमंत्री जी ने जब आजमगढ़ में आके कहा कि आजमगढ़ जो है वो अनंत काल तक विकास की राह पे दौड़ता रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो जब मोदी जी ने गारंटी दिया है तो अब आजमगढ़ भी उनको गारंटी दे रहा है कि जब 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री फिर बनेंगे तो हमारा आजमगढ़ भी उनके साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, जिस तरीके की बातें कही जा रही थी, खास तौर पे ये कहा जा रहा था कि MY फैक्टर, तो मुस्लिम समुदाय आपके साथ इस तरीके से जुड़ा है, बिल्कुल, ये क्या गवाही दे रहा है? ये देखिए, अगर मुसलमान हमारे साथ नहीं होते, यादव हमारे साथ नहीं होते, सब लोग हमारे साथ नहीं होते तो हम जीतते कहाँ से? जो आपके आजमगढ़ का समीकरण है, जिस तरह से जातिगत समीकरण है, उसमें जब मुसलमान भाई भी मुझे सपोर्ट करते हैं, यादव भी सपोर्ट करते हैं, सभी वर्ग, सभी धर्म जाति के लोग सपोर्ट करते, तभी तो हम जीते और आगे भी सबके सपोर्ट से, सबके सहयोग से ही फिर हम लोग जीतेंगे। क्या लगता है कि इन लोगों से आप मिल रहे हैं, किस तरीके की बातें आ रही हैं, अपनी समस्या भी लोग बता रहे हैं? बिल्कुल, और इनकी जो समस्या है वो हमारी समस्या है। और जो भी हमें, जैसे हमारे दुर्गविजय चाचा हैं यहाँ, और दुर्गविजय चाचा लगातार आप लोग के संपर्क में रहते हैं और लंबे समय से काम करते हैं, तो कुछ भी समस्या होती है वो आके बताते हैं और हम उसको तुरंत कराते हैं। चलिए, एक जो नारा दिया गया था कि दूरी है न खाई है, जमशेद भाई, इसको आप दोहराते हुए? और ये बिल्कुल, ये तो हमारे सारे आजमगढ़ के ही नहीं, पूरे देश के मुसलमान भाई आज जान चुके हैं कि बाकी पार्टियां सिर्फ उनका इस्तेमाल करती थी, उनके लिए काम नहीं करती थी, सिर्फ इस्तेमाल करती थी। अब जो है मोदी जब से आए हैं वो सबके लिए काम कर रहे हैं, वो महिलाओं के लिए, वो गरीबों के लिए, वो हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। तब जाके देश से पूरे यही आवाज़ आई है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसी का साथ प्रमाण है, ये भी उसी का प्रमाण है। और देखिए, जब विपक्ष वाले मोदी जी को बोले कि इनका तो परिवार नहीं है, तो ये देखिए, ये मोदी का परिवार है, ये सभी लोग मोदी के परिवार हैं और मोदी जी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो इस तरीके की भी चीज़ें होनी चाहिए, खासतौर पर ये मुबारकपुर का इलाका है, अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र है। अब आप ये देख सकते हैं कि दिनेश लाल यादव से मिलने के लिए किस तरह से लोग अपने तरीके से फ़ोटो ले रहे हैं, उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं और जिस तरीके से अपनी समस्याओं को बता रहे हैं उसका भी समाधान कर रहे हैं। तो जो स्लोगन दिया गया है उस स्लोगन को भी चरितार्थ कर रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़।